नमस्कार, आप सभी का एवन छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगिड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिम लीग पर दिए बयान पर भाजपा कांग्रेस नेताओं में आरोप प्रत्यारोप का दौर। भाजपा ने याद दिलाया नेहरू का एक्सीडेंटल हिंदू वाला बयान। सरगुजा में ताला बनाने के नाम पर हजारों पेड़ काटने का मामला। ग्रामीणों के आरोप के बाद डीएफओ ने बीट गार्ड को किया सस्पेंड। ठेकेदार और जेसीबी ऑपरेटर के खिलाफ भी मामला दर्ज। शॉर्ट सर्किट के बाद पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगी है। हजारों मुर्गियों की जलने से हुई मौत। जांजगीर के मिस्ता गांव की घटना। जांजगीर में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। पहले दो दिन बालक बालिका वर्ग में दिखी जोर आजमाइश। सोमवार को खेले जाएंगे फाइनल मुकाबले। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के दौरान मुस्लिम लीग पर दिए बयान के बाद आपको बता दें सियासत गर्म है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी बयानबाजी तेज है। जहां नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राहुल गांधी पर निशाना साधा तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जिन्ना और केरल की मुस्लिम लीग पूरी तरह अलग है लेकिन भाजपा सिर्फ भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि पहले राहुल गांधी अध्यक्ष थे तो परिवारवाद का आरोप उछला। उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से दुखी भाजपा ने उनकी सांसद सदस्यता छीनी। इधर सीएम बघेल के बयान पर भाजपा सांसद ने कहा है कि कथन नहीं भूलना चाहिए जिसमें उन्होंने अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा था। अजीब सी बात है, जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है। और वो यदि वहाँ की मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता। लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उनकी सदस्यता ले ली। मगर अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ भारतीय पहलवानों के आंदोलन को लेकर कांग्रेस में मैदान में उतराई है। मामले में बिलासपुर की जिला महिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को प्रेस वार्ता की और ब्रजभूषण पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की। महिला कांग्रेस कमेटी के शेयर अध्यक्ष पिंकी बत्रा ने बताया कि देश में पहलवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अब केंद्र सरकार जल्द से जल्द ब्रजभूषण को उसके पद से हटाने के साथ उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। वही बेटिया हमारे देश के आन बान शान तिरंगा के लिए विदेशों में नाम कमाते हैं। आज उन्हीं का मेडल को गंगा नदी में बहाने के लिए सब अपने महिला खिलाड़ी निकालते हैं। बहुत ही दुख की बात है। हम सिर्फ मोदी शासन से ये कहना चाह रहे हैं कि जो ब्रजभूषण है, जो गुनेगार है, उनको उनका इस्तीफा करे, उसको गिरफ्तार करे, कड़ी कड़ी कार्रवाई करे। हमारे महिला कांग्रेस हमेशा साथ में है महिला पहलवानों का। एक भी मतलब उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया, ना मोदी जी ने मतलब जंतर मंतर पर जाकर, ना उनके मंत्रियों ने, किसी ने उन बेटियों की सुधी ली। सरगुजा के सीतापुर वन क्षेत्र में हजारों पेड़ काटने के मामले में डीएफओ ने बीट गार्ड को सस्पेंड कर दिया है। ग्रामीणों की ओर से वन विभाग पर ताला बनाने के नाम पर हजारों पेड़ काटने का आरोप लगाया गया जिसमें वन अधिनियम के तहत आपको बता दें ठेकेदार और जेसीबी ऑपरेटर के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। तो वहीं जोधपुर में एक ये कटाई का केस आया था तो भी मौके पे भी जाके मैं आया हूँ। इसमें यह है कि इनको पहले बेरोजगार इंजीनियर और स्नातक वालों का जो टेंडर हुआ था उसके माध्यम से एक परकुलेशन टैंक जो ही तालाब का ही एक फॉर्म होता है उसका टेंडर मिला था जी। तो उसके लिए इनको बीट गार्ड ने जो साइट दिखाया था अभी हम लोग देख कर गया है। एक्चुअली वो साइट भी जहाँ पर बनना था वो साइट भी नहीं था और इनके द्वारा बिना सूचना दिए कार्य स्टार्ट किया गया। वहाँ पे पेड़ थे उसको इनके द्वारा काट दिया गया जो मतलब गलत है और इसलिए वन अपराध प्रकरण भी दर्ज किया गया है।
जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र में एक मुर्गी फार्म में भीषण आग लग गई। मिस्ता गांव स्थित मुर्गी फार्म में आग लगने से हजारों मुर्गियों के जलने से मौत हो गई और पोल्ट्री फार्म संचालक को लाखों का नुकसान हुआ। सूचना के बाद कई दमकलें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पोल्ट्री फार्म पूरी तरह जलकर राख हो गया था। प्रारंभिक तौर पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। बर्रा रोड स्थित ये पोल्ट्री फार्म नरोत्तम कर्ष का बताया जा रहा है। बिलासपुर में आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आदतन अपराधी ऋषभ पानीकर को महाराष्ट्र के भंडारा से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे शहर भर में घुमाया। पुलिस के अनुसार आत्महत्या करने वाले छेदीलाल कश्यप ने आत्महत्या से पहले लिखे सुसाइड लेटर पर पानीकर जमीन का दबाव बनाने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए विक्रम कश्यप, पूनम कश्यप और ऋषभ पानीकर के खिलाफ मामला दर्ज कर विक्रम कश्यप को गिरफ्तार कर लिया था। अब दूसरे आरोपी ऋषभ पानीकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरगुजा में सर्व यादव समाज के प्रतिनिधियों और लोगों ने एसपी से मुलाकात की और डैम में डूबकर मरे बालक के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। लखनपुर स्थित टपरकला डैम में हुए हादसे को लेकर उन्होंने कहा कि मृतक के साथ दो युवक और गए थे, जिन्होंने साजिशवश उसकी हत्या की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया और जल्द कार्रवाई किए जाने की बात कही। मामला संजय यादव करके एक लड़का था मलभिटी का, उसका 25 तारीख को मौत हो गया है। हम लोगों को संदेह है कि उसका हत्या कर पानी में डाला गया है। उसी विषय को लेकर आज एसपी साहब से हम लोग मुलाकात करने आए हैं और निष्पक्ष जांच का मांग किए हैं। एसपी साहब ने निष्पक्ष जांच के लिए हम लोग को आश्वस्त कराए हैं और एक टीम गठन कर जाँच कराने के लिए निर्देशित किए हैं अधिकारियों को। एसपी कार्यालय आए थे, वही मेरे बेटा संजय यादव का के लिए जाँच करवाने के लिए, तो कुलान रजवाड़े और क्या बोलते हैं ऐसा राजू रजवाड़े घर में आए। मेरा छोटा बेटा को बुलाए, बोले कि तुम्हारा छोटा बेटा से बोले कि कहाँ है अजय संजय यादव, तो संजय यादव को जाके बोला कि नहीं हम लोग बुला रहे हैं। बुलाने के बाद वो नहीं निकला बाहर, फिर मैं खाना खा रहा था साथ में उसी पास वो बैठा था, फिर बुला के नहीं निकला वो, फिर हम लोग चले गए। जाने के बाद में मेरे चाचा ससुराल गए, हम लोग वहाँ भी पूछे कि क्या बोलते हैं उसको प्रयाग यादव को, तो प्रयाग यादव भी नहीं था, गया था जंगल। जांजगीर के मेजर ध्यानचंद हॉकी मैदान में 3 दिवसीय जिला स्तरीय हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 4 बालक और 4 बालिकाओं की टीम शिरकत कर रही है, जिसमें पहले दिन दोनों वर्गों में एक मैच खेला गया। पहले और दूसरे दिन स्थानीय लोगों ने प्रतियोगिता के तहत खेले गए मैचों का जमकर लुत्फ उठाया। अब सोमवार को प्रतियोगिता का फाइनल मैच खेला जाएगा और इस दौरान आयोजकों ने कहा कि हॉकी राष्ट्रीय खेल है और उसके प्रति जुड़ाव बेहद अहम है। जिला स्तर पर ऐसे आयोजनों को लेकर लोकल स्तर की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों से खेल को खेल की भावना से खेलने और पूरी तैयारी के साथ जीत की ओर बढ़ने का विजय मंत्र दिया। हॉकी उत्साह बहुत है हम लोग के में, यहाँ से 3 तारीख से 5 तारीख तक यहाँ जिला स्तरीय टूर्नामेंट चल रहे हैं यहाँ पास, और हम लोग की अलग जानकारी टीम है यहाँ पर, और हम लोग की बहुत उत्साह। हम लोग तीन साल से सबके साथ खेलते आ रहे हैं हॉकी, और यहाँ अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है वहाँ 3 से 5 तारीख तक चलेगा। 5 तारीख को यहाँ समापन होगा और सभी कोई को मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा। सबको क्या ध्यान देना पड़ता है यहाँ हॉकी में? सब कोई को डिसिप्लिन से रहना पड़ता है, अनुशासन सब कोई को बनाकर रखना पड़ता है। और हॉकी इंडिया छत्तीसगढ़ हॉकी के मार्गदर्शन में ये मैच हो रहा है अभी, और ये 3 दिवसीय है। 3 से 5 तारीख तक ये मैच चलेगा। इसमें छोटे छोटे बच्चों की जो प्रतिभाएँ हैं वो निखरेगी, और हम बहुत उत्साहित हैं इस मैच को लेकर और अच्छे उत्साह के साथ खेलेंगे भी। यहाँ बालक वर्ग और बालिका वर्ग दोनों टीम की मैचें हो रही है। हमारे और बच्चों में बहुत उत्साह है, क्योंकि यह कार्यक्रम खेलो इंडिया के तहत जिला जांजगीर चांपा में और छत्तीसगढ़ के तहत हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि जांजगीर ज़िले में हॉकी का कार्यक्रम हमारे सर द्वारा यहाँ कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है। 3 दिवस 3, 4 और 5 जून यह कार्यक्रम 3 दिन चलेगा। इसके तहत हम नए नए हॉकी के बारे में सीखेंगे। यह मॉडल हमें बहुत आगे तक ले जाएगी और यह हमारे लिए गौरव की बात है। हॉकी राष्ट्रीय खेल है, इसमें खेल के वक्त अपने पैर को बचाकर खेलना होता है। ये स्पर्धा 3 दिन तक उपस्थित हुई, 5 तारीख को इसका समापन होना है। हम सभी खिलाड़ियों में इस टूर्नामेंट को लेकर बहुत उत्साह है।
बीती रात सुंदरनगर में हुए अपहरण को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने राज्य सरकार और गृह मंत्रालय पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में चोरी, लूट, डकैती, तस्करी, चाकूबाजी जैसे अपराधों में तेजी आई है और अब यहां अपहरण उद्योग भी पैर पसारने लगा। इससे साफ है कि शांत प्रदेश कहलाने वाला छत्तीसगढ़ अब देश भर के अपराधियों के लिए कर्म भूमि बनता जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में अभी तक चोरी, डकैती, लूटपाट, छीना झपटी, चाकूबाजी की घटनाएं तो आम हो गई थी। अब छत्तीसगढ़ में अपहरण का उद्योग भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दो दिन पहले ही रायपुर के नौजवान सिद्धार्थ का अपहरण हुआ। अपहरण करने वाले छत्तीसगढ़ के नहीं, बाहर के लोग थे। बाहर के अपराधियों को अब छत्तीसगढ़ अपना सरणगाह दिखाई दे रहा है कि छत्तीसगढ़ में तो सब कुछ संभव है, सरकार की नाक के नीचे राजधानी में किसी नवयुवक का अपहरण हो जाए और सरकार और उसका पुलिस प्रशासन सोता